1000 संस्थान बंद करने के बाद सीएम सुक्खू ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निकालने के लिए भी पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जल शक्ति विभाग के 1571 कर्मचारियों के बाद स्वास्थ्य विभाग के 1850 के करीब कर्मचारियों को घर भेज चुकी है सुक्खू सरकार। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है नौकरी से निकाले गए कोरोना वॉरियर्स द्वारा मुख्यमंत्री के पांव पकड़ने का वीडियो। 1000 संस्थान बंद करने, डीजल 6 रुपए से ज्यादा महंगा करने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी छीनने का मुद्दा सड़क से सदन तक उठा चुकी है भाजपा। स्वास्थ्य कर्मियों की नौकरी जाने के संवेदनशील मुद्दे पर चुटकी लेते हुए सीएम ने पत्रकारों को सुनाया जेबीटी नौकरी मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को सजा होने का किस्सा। भाजपा व विपक्ष के अलावा साल पूरा होने से पहले ही जिला परिषद कर्मचारी व पटवारी कानून को संघ भी कर चुके हैं हिमाचल की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के बाद फिर चर्चा में आई कांग्रेस की फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी। देखिए, कोविड का स्टाफ कम, हम पिछले 8-9 महीने से एक्सपेक्शन दे रहे हैं, तो अब हमने इनका ख्याल रखना है, लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई है। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है तो कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है, अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी जेबीटी के, जेबीटी में परसों इंटर में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की सजा हो गई। हम कह रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा है कि उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद है इनको भरा जाएगा, इसके ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको अपनी सहायता के DTU में और वहाँ पे अपॉइंट हुई हूँ। कोविड काल में अपॉइंट हुई, 2019 में हम लगे थे वहाँ पे। अब हमें 3 साल होने को हो गए हैं, पर अब हमारा जो टेंडर है वो 30 जून तक ही था पे, भी हमारा टेंडर आगे भी हो और इसलिए हमें कोई पॉलिसी बनाई जाए या किसी चीज के अंदर रखा जाए जिससे हमारे घर भी चल सके। मुख्यमंत्री जी से मिले तो कोई आश्वासन नहीं मिला है, वो तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं और उन्होंने इग्नोर ही कर दी। फिर भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैंने उनके पैर भी पकड़े, फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर भी सर, ये एक बहुत बड़ी बात है, हमारे इतने बड़े हिमाचल में आज कोरोना वॉरियर्स की ये स्थिति है हम लोगों की। भीख मांगने के लिए आगे आ चुके हैं हम लोग की, कम से कम हमारी नौकरी को तो देखो आप लोग। 30 तारीख तक की लास्ट डेट थी हम लोगों की, हम सिर्फ 6 महीने का सेवा विस्तार मांग रहे थे, इन लोगों ने वो भी नहीं दिया हम लोगों को। गत वर्ष श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई। सत्ता में आने से पहले प्रदेश के बेरोजगार युवकों को गारंटियां दी गई, 1 लाख बेरोजगारों को पहली कैबिनेट के अंदर नौकरी दी जाएगी, ऐसा वायदा करके सत्ता में आने वाली कांग्रेस सरकार ने आज हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को एक नायाब तोहफा दिया। लगभग 1850 ऐसे बेरोजगार जिन्हें पूर्व की भाजपा सरकार ने कोविड के दौरान नौकरी पर रखा था, वे सभी कोरोना वॉरियर्स, ऐसे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की वर्तमान सरकार से अपेक्षा कर कि जहां 1 लाख नौकरियां देने का पहले साल के अंदर पहली कैबिनेट के अंदर वायदा किया गया था वो पूरा करें, साथ ही
इन सभी बेरोजगारों को जिनको आपने नौकरी से निकाला है उनको तुरंत वापस नौकरी पर स्थापित करें। प्रदेश में 1000 के करीब संस्थान बंद करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 1850 के करीब स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का दोष भी पूर्व की भाजपा सरकार पर मढ़ा। सीएम सुक्खू के मुताबिक पहले की सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी बनाई होती तो ऐसी नौबत न आती। 1850 के करीब परिवारों की रोजी रोटी से जुड़े इस संवेदनशील मामले पर चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि जेबीटी भर्ती में थोड़ी सी गड़बड़ी को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला को सजा हो चुकी है और अब तक उनकी सरकार ने कोरोना काल में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का काम किया था। गौरतलब है कि कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों को सेवाएं देने वाले इन 1850 के करीब हेल्थ वर्कर से पहले सुक्खू सरकार द्वारा जल शक्ति विभाग के 1571 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त की जा चुकी है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में वर्तमान सरकार भी शिक्षा विभाग में अस्थायी नियुक्तियां करने जा रही है। भाजपा नेताओं के मुताबिक सुक्खू सरकार द्वारा पहली कैबिनेट में 1,00,000 युवाओं को रोजगार दिए जाने का वादा पूरा किया जाना तो दूर, अब तक 10,000 के करीब आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां छीनी जा चुकी है। प्रदेश में 1,000 के करीब संस्थान बंद किए जाने, डीजल 6 रुपए से ज्यादा महंगा करने, स्टाम्प ड्यूटी 100 गुना बढ़ाए जाने व हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विपक्ष तो भाजपा द्वारा सदन से सड़क तक प्रदर्शन किए जा चुके हैं। विपक्षी दलों आउटसोर्स कर्मचारियों के अलावा सीएम सुक्खू द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा पूरा न करने के खिलाफ जहां जिला परिषद कर्मचारी पिछले 3 दिन से पेन डाउन स्ट्राइक पर है, वहीं लैंड डेवलपमेंट बिल के खिलाफ पटवारी कानून को संघ द्वारा भी उपमंडल स्तर पर ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। सीएम सुक्खू न केवल आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने पर 1000 संस्थान बंद करने जैसे जन विरोधी कहे जा रहे फैसलों के लिए पहले की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि प्रदेश की वित्तीय हालत खराब होने तथा 2 माह पहले भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद मूलभूत सुविधाएं बहाल न होने की जिम्मेदारी भी भाजपा पर थोप रहे हैं। प्रदेश के आला भाजपा नेता जहां हिमाचल में आपदा राहत के लिए 862 करोड़ की सीधी मदद के अलावा PMJSY के तहत 2700 करोड़, NH के लिए 2000 करोड़ व 11,000 के करीब मकान स्वीकृत करवाने के लिए बार बार केंद्र सरकार का आभार जता रहे हैं, वहीं सीएम सुक्खू के अनुसार केंद्र ने स्पेशल पैकेज देने की मांग पूरी नहीं की। केंद्रीय मदद के अलावा मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में भी जानकारी के अनुसार लोग करोड़ों का चंदा दे चुके हैं। हालांकि सीएम ने आज तक अन्य मुद्दों की तरह मीडिया से रिलीफ फंड पर बात नहीं की। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के मुद्दे पर कई सोशल मीडिया यूजर मुख्यमंत्री को प्रदेश में पहली बार डिप्टी सीएम की नियुक्ति, आधा दर्जन CPS व दर्जन भर कैबिनेट रैंक के बोर्ड निगम अध्यक्ष तथा सलाहकारों की फौज पर खर्च हो रहे करोड़ों के बजट की याद भी दिला रहे हैं। नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा कल मुख्यमंत्री के पांव पकड़े जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कल सीएम एक विधायक के घर शोक जताने के लिए चंपा पहुंचे थे। सीएम के इस विजिट के बाद दलित युवक मनोहर के टुकड़े टुकड़े किए जाने के बावजूद पीड़ित परिवार के घर सलोनी न पहुंचने को लेकर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। कोविड का स्टाफ कम, हम पिछले 8 महीने से एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो हमने इनका ख्याल रखना है, लेकिन पिछली सरकार इनके लिए कोई नीति नहीं बना के गई। अब अड़चन क्या है कि जब पिछली सरकार ने नीति नहीं बनाई है तो कोई भी हमको कानून के तहत बनाना है, अब कैसे बनानी है उसके बाद ऐसा ना हो ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनकी तो पार्टी अपनी थी, उनकी तो पार्टी थी JBT के, JBT में पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ी गलती कर गई और 10 साल की उनको सजा हो गई। कोविड के स्टाफ सारा निकला है तो जो अधिकारी है उनको हमने बोला कि कोई इनके लिए रास्ता, ये हमारे लोग हैं पर कैसे रास्ता ढूंढना है, कागजों में भी तो साइन होंगे ना तब आगे मेरे पास फाइल आएगी, तो उस सब डिस्ट्रिक्ट कानूनी दायरे के तहत करना है। अगर BJP ने जब इनको बेचारों को जब कोरोना काल था ये कोविड का उस समय इन लोगों ने नीड बेस्ड सर्विस दी, घर से आके उन्होंने अपने सर्विस दी, उस समय BJP की सरकार ने जिसने नीति बनाई होती तो आज इनको बेचारों को धक्के नहीं खाने पड़ते जिसके लिए ये बेचारे आए हैं। और हमने तो हर बारी 3-3 महीने का दिया, अब वो एक चिट्ठी निकली है कि इनको 3 सितंबर को इनकी सेवाएं समाप्त हो गई और इतने सेवा, मैंने मंत्री जी को बोला है कि इसका ध्यान करें। सवाल ये है कि अब कानून कैसे आगे बढ़ता है इसके लिए अभी अध्ययन किया जा रहा है, जैसे अध्ययन करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कोविड स्टाफ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार ऐसी थी
कि आज सारे जितने भी उनके काम है ना सप्पे पड़े हुए वो सब हमारे सारे जो भी उन्होंने टेस्ट लिए कोऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के वो सब कोटों में गए जो भी और जो जो टेस्ट लेने जा रहे थे उनके पेपर लीक करवा के अयोग्य लोगों को ठहराया। हम सब व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इनका भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कैसे रखना है उस दिशा को और उस नियम को हम।